Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. So kids, what we have to do today? So yesterday we have done few questions based on word problems of addition. है ना, कल कुछ questions किया जहाँ पे word problems को हमने क्या किया था, solve किया था. Now what we have to do today? Today you have to do few questions based on subtraction, and we will also cover some question based on properties of subtraction. So as you know, this is our revision classes, है ना? What we are doing? We are doing the revision. So subtraction. Today I am going to start subtraction. Okay. Now class, you know that subtraction is also known as takeaways. Yeah, you know very well that subtraction is also known as take away. Subtraction को हम क्या बोलते हैं? We call it take away. ठीक है, subtraction को हम take away भी कहते हैं. Fine. Now one more thing is there. अब जब subtraction को हम take away कह रहे हैं, तो इससे हमारा क्या मतलब हो रहा है? Take away कहने का मतलब क्या? जब हम टेक अवेज कह रहे हैं सब्ट्रैक्शन को, तो अब हमें क्या करना है, मतलब कोई वैल्यू दी हुई है, उसमें से कोई दूसरी वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग 8 हियर और 8 में से मैंने वैल्यू हटा दी 3, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास बचा 5. ठीक है, अगर बच्चों की तरह से समझे तो 8 स्टिक्स थी मेरे पास, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसमें से मैंने 3 क्या कर दी, क्रॉस कर दी. अब मेरे पास कितनी बची? अब मेरे पास स्टिक्स बची 5. तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज हाउ वी डू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द टेक अवेज. टेक अवेज के क्वेश्चन कुछ हम इस तरह से करते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू टुडे, टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन, एंड आफ्टर डूइंग दैट, आफ्टर डूइंग द सब्ट्रैक्शन, व्हाट यू हैव टू डू, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन करने के बाद हम क्या करने वाले हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जहां पे हम क्या देखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन के भी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट नाउ क्लास. सपोज इफ अ मैन, इफ अ मैन हैज 5 किलो, इफ अ मैन हैज 5 kg 250 ग्राम ऑफ राइस, ठीक है, उसके पास कितनी राइस थी और उसने क्या किया, 2 kg 120 ग्राम ऑफ राइस को उसने क्या किया, सेल कर दिया. तो अभी उसके पास कितनी राइस बची, मतलब अभी अब उसके पास कितनी राइस बची, इतनी थी, इतना उसने क्या किया, बेच दिया. तो अभी उसके पास कितनी राइस बची, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू. चलो स्टार्ट डूइंग, स्टार्ट डूइंग. कंप्लीटेड. नाउ सी, 5 kg 250 ग्राम एंड 2 kg 120 ग्राम. 5 kg 250 ग्राम, 5 क्या करना है हमने, 5 kg 250 ग्राम, ठीक है. अब जब सेल कर दिया, इतना था, इतना सेल कर दिया, मीन ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. तो 5 kg subtract 2 kg 120 ग्राम, ठीक है. ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये हमारी रिविजनल क्लासेस है, ये सब ऑलरेडी मैम ने आपको समझाया है, बट क्योंकि हमारे एनुअल एग्जाम्स पास आ रहे हैं, तो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर, वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर. नाउ डू द सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन करो यहाँ पे, कम ऑन, डू द सब्ट्रैक्शन.
So 0 minus 0 will be 0, 5 minus 2 will be 3, 2 minus 1 will be 1, 5 minus 2 will be 3. So the answer of this question is 3 kg and 130 gram. This is what? This is the answer of this question. Fine. Now moving towards the next one. ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक अवेज, टेक अवेज के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नाउ सी, नेक्स्ट इज 8 किलोमीटर 342 मीटर डिस्टेंस थी राहुल की होम से स्कूल तक। राहुल की घर से स्कूल तक की डिस्टेंस कितनी थी? 8 किलोमीटर 342 मीटर, इतनी डिस्टेंस थी। नाउ व्हाट हैपेंड, हिज फादर ड्रॉप हिम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर एंड 111 मीटर। तो अभी कितना उसे और जाना है? ठीक है, ओके ओके। नाउ मूविंग अहेड, सो 8 किलोमीटर ओके, सो 8 किलोमीटर्स एंड 342 मीटर ट्रैक फ्रॉम 2 किलोमीटर एंड 111 मीटर। ठीक है, तो 2 माइनस 1 पे विल गेट, 2 माइनस 1 करने पे वी विल गेट 3, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन वी विल गेट 3 एंड 3 में से 1 गया विल गेट 2। सो किलोमीटर मीटर 8 में से 2 गया 6 किलोमीटर 233 मीटर। 6 किलोमीटर 233 मीटर इज व्हाट इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फाइन, इतना हो गया। नाउ चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं सब्ट्रैक्शन विद और विदाउट रीग्रुपिंग के। फाइन, लेट अस डू फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन विद एंड विदाउट रीग्रुपिंग। ओके, नोट इट डाउन, बोर्ड पे जो है पहले से नोट करिए, देन वी विल स्टार्ट। ओके, नाउ क्लास, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद द सब्ट्रैक्शन that is without regrouping, okay, and then we will move towards the subtraction with regrouping. Now without regrouping means what? बिना borrow के subtraction, जो simple subtraction होती है जिसमें हमें borrow नहीं करना पड़ता, that one, ठीक है? Now see, suppose here I am having a number that is 8248 minus 1113, ठीक है? सपोज दिस इज द नंबर एंड द अदर वन इज 3265 माइनस 1105, ठीक है? सो दीज टू क्वेश्चंस आर देयर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट। आपने क्या करना है यहाँ पे, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट, दैट्स इट। कम ऑन, चालू करो। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 8248 माइनस 1113, ठीक है? इन दोनों नंबर्स में आपने क्या करना है, आपने सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है। कम ऑन, completed.
Now let us do 8,248 minus 1,130. So, if we minus 8 minus 3, we will get 5. 4 minus 1, we will get 3. 2 minus 1, we will get 3. And 8 minus 1, we will get 7. So, the answer for this question is 7,335. Now, the next one. 3,265. Minus 1,105. Okay, 5 minus 5, 0, 6 minus 0, 6. 2 minus 1, we will get 1. 3 minus 1, you will get 4. So the answer for this question is 4,160. Answer for this question is 4,160. So देखो इस question में हुआ क्या? हमने क्या किया? Subtraction किया. Without removing, without taking any borrow. कोई भी बोरो लिए बिना, this is the simple subtraction, okay? अभी हम कुछ क्वेश्चन सिंपल सबट्रैक्शन ही करेंगे, आफ्टर दैट वी विल मूव विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ओके? Okay, so I'm going to erase the board. Okay, now the next question. Next question is 8,865 minus 3,423. This is the third question, I guess. Fourth question is. Okay, so these two questions are there. आपने करने. Come on. Okay. Completed. Now let us solve these two questions. Then 9 minus 2 we will get 7, 2 minus 1, 1 and 8 minus 1 we will get 7. So the 7,172 is our answer for this question. Note it down. Completed. Okay, now moving ahead, moving towards the next question. So, अक्सर के जितने questions किए हैं वो सारे क्या थे without removing के जो questions थे वो क्या थे?
without regrouping. Now the next question that we are going to do is of regrouping. Fine. अगला क्वेश्चन हम जो लेने वाले हैं वो कैसा होने वाला है? Subtraction without, no, with regrouping. Now with our next question we are going to do is subtraction with regrouping. Okay, let us start. Now what happened in regrouping? That suppose 28 subtract 19. Suppose we have to subtract 19 from 28. 28 में से हमने 19 सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? अदरवाइज तो क्वेश्चन सीम्स इजी, ये क्वेश्चन ऐसे तो देखने में हमें आसान लग रहा है कि हाँ क्या करना है, सब्ट्रैक्ट ही तो करना है. बट व्हेन वी राइट दिस क्वेश्चन, चलो मैं इसका वैल्यू बना के करते हैं. 1, 10 तो हुआ कितना? 28 minus 19. Here I am having 8, here I am having 9. 2 and then here I am having 1. 8, ठीक है? अब subtract करना है, तो 8 में से 9. So is it possible? Can we subtract? Can we subtract 9 from 8? मतलब अगर मैं 8 finger निकालूँ, तो क्या मैं 9 finger को close कर सकती हूँ? Is it possible? No. This thing is not possible. Why? Because छोटे number से बड़े number को हम क्या नहीं कर सकते? We cannot subtract. Now do this question. चलो करो. 28 minus 19, तो जब नहीं हो पा रहा फिर व्हाट वी विल, अब 8 के पास ऐसा अज्यूम करो कि 8 को 9 को कुछ पैसे देने, अब 8 के पास तो है नहीं, 8 तो खुद 9 से पुअर है. सो व्हाट दिस 8 विल डू, इट विल टेक अ बोरो फ्रॉम दिस नंबर, 2 से कुछ मांगेगा. 2 इसको कितना देगा? 10 देगा. सो दिस बिकॉज इट इज इन 10th प्लेस, तो ये कितना हो जाएगा? इट विल बिकम 18. एंड क्योंकि 2 ने अपना 1 इसे दे दिया है, तो दिस नंबर विल बिकम 1. नाउ 18 minus 9, अगर हम 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करें, 18 में से हमें क्या करना है? 9 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो जब हम 18 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 9 एंड 1 minus 1 वी विल गेट 0. सो 18 में से हमने क्या किया? 9 को सब्ट्रैक्ट किया, हमें कितना मिला? 9. फाइन. तो इस तरह के जो क्वेश्चन हम करते हैं इन्हें हम क्या करते कहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग. नाउ अगर मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन, सपोज नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 minus 17. अगेन चलो बना लेते हैं 1, 10. सो आई एम स्टार्टिंग विद 2-digit नंबर, सो दैट धीरे धीरे आपके कंसेप्ट क्या होते जाए, बिल्डअप होते जाए, ठीक है? So, I'm starting with 2-digit number. Fine. So, 36. Here we are having 36 and we have to subtract 17 from it. Okay? Now, do the question. If you have to subtract 17 from the 36. Chaliye kariye. If you have to subtract 17 from 36, what you will do? Yes. Now, 6 kya hai? 7 se kya hai? Chota hai. So, what will happen? This 6 will take a borrow from this number, that is 3. Fine. And this number will become 16, and kyunki isne apna de diya, 1 diya. So this number will become 2. Now 16 minus 7 and 2 minus 1. So 7 ke baad count karo ki 16 ho jaye. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. कितना आया? 9. ठीक है? Now 2 minus 1, 1. Answer is what? 19. Our answer for this question is 19. So yes, we have started from the 2-digit numbers. Then we will move towards the 3-digit number and finally the word problems and questions like that. अभी हमने क्या करने हैं? अभी हमने कुछ क्वेश्चन करने हैं. जो क्वेश्चन किस पे बेस्ड होने वाले हैं? वो क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, मेरा राइट सब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन पे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? सो नोट इट डाउन. ओके, नाउ दो क्वेश्चन हमने कर लिए. नाउ लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन. नाउ दिस क्वेश्चन विल बी ऑफ
सेम टाइप, मतलब रीग्रुपिंग के ही क्वेश्चन अभी भी आपने कर दिए। अभी भी जो क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में मैम देने जा रहे हैं वो भी क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, वो भी क्वेश्चन बेस्ड है रीग्रुपिंग पे। ठीक है, तो मान लो मेरा नंबर है 62 माइनस 48। ठीक है, दिस इज व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द सेकंड वन इज व्हाट 33 माइनस 11। ठीक है, 33 माइनस 11, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। डू दीस टू क्वेश्चंस, करिए ये दो क्वेश्चन करिए। नंबर ही नहीं है तो सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू होल्डर्स बना लेते हैं। सो फर्स्ट इज 1 एंड द अदर वन इज 10। सो इधर हुआ 62 एंड वी हैव टू सबट्रैक्ट 48 फ्रॉम 62 में से हमने कितना सबट्रैक्ट करना है 48। नाउ दिस साइड अगेन 1 फॉर 10 का प्लेस वैल्यू होल्डर बना लिया, देन 33 माइनस 11। ठीक है, 33 माइनस 11। अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन है 33 माइनस 11, दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी। वो उस क्वेश्चन में आपने कुछ भी नहीं करना। वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाई दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी, बिकॉज़ उस क्वेश्चन में आपने बस सिंपल सबट्रैक्ट करना कर देना है। वो क्वेश्चन विदाउट रिग्रुपिंग का है। ठीक है, उसमें कोई भी रिग्रुपिंग नहीं है, उस क्वेश्चन में कोई भी रिग्रुपिंग नहीं है, वो क्वेश्चन विदाउट रिग्रुपिंग क्वेश्चन है। ठीक है ना, बट दिस क्वेश्चन 62 माइनस 48, अब इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, अगर यहाँ पे 62 माइनस 48 है तो अब क्या होगा, दिस 2 विल बिकम, अब 2 में से 8, अब अगर मैं पूछूं कि 2 है, 2 फिंगर्स में से 8 फिंगर कम किया जाए तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। अगर मेरे पास 2 टॉफीज हैं तो मैं आपको 8 टॉफीज नहीं दे पाऊंगी। मुझे क्या करना होगा, बगल वाले से क्या करना होगा, बोरो करना होगा। ठीक है, बगल वाले से मुझे क्या करना होगा, बोरो करना होगा। तो इससे मैंने क्या किया, बोरो किया, मैं इसके पास गई, मैंने इससे बोरो किया, अब मेरे पास हो गई 12 टॉफीज। अब क्योंकि इस बगल वाले ने दिया है तो जो देगा उसके पास तो कम हो जाएगा ना, जिसने दिया उसके पास क्या हो गई, टॉफीज की मात्रा क्या हो जाएगी, जिसने दिया उसके पास टॉफी की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई, ये हो गया 5। सो नाउ अब हो गया हमारे पास 12 माइनस 8 एंड 5 माइनस 4। अब 8 के बाद ऐसा काउंट करो कि 12 आ जाए, 8 के बाद ऐसा काउंट करिए कि 12 आ जाए, 9 10 11 12 4। ठीक है, 9 10 11 12, आंसर इज 4। अब इधर क्या था, हियर वी आर हैविंग 5, नाउ 5 माइनस 4 वी विल गेट 1। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 14। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, 14। नाउ सिमिलरली अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मेरे पास 3 टॉफीज हैं और कोई मेरे से पूछता है कि 3 माइनस 3, तो ऑब्वियसली मैं दे पाऊंगी 3 टॉफीज, और कोई बोले कि 1 टॉफी मुझे दे दो, तो मैं 1 क्या कर पा रही हूँ, 1 मैं कम कर पा रही हूँ। सो 2, 3 माइनस 1 आई गेट 2, एंड सिमिलरली हियर आल्सो 3 माइनस 1 आई विल गेट 2, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1, 2, 2 आ गए। नोट इट डाउन, नोट डाउन करो इस क्वेश्चन को, देन वी कैन मूव अहेड। फाइन, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे चलते हैं। Completed. Fine, I'm going to erase. Now, class 2 digit number that I'm going to ask me. Now, the next question that I'm going to take will be of 3 digit number. Fine. Ab 3 digit number mein karte dekhte, kuch khas difference nahi aata, bas question thoda difficult ho jata, right? So, agar main 3 digit number ka ek question do, suppose 625 माइनस 180, ठीक है 180, एंड अगर एक और क्वेश्चन
897 माइनस 238, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हम कैसे करने वाले हैं, कम ऑन डू इट। कम ऑन, 625 माइनस 180, 625 में से कितना माइनस करना है, 118 हमने सब्ट्रैक्ट करना है। कम ऑन डू इट, 625 था, अब उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 118, हमें सब्ट्रैक्ट करना है 625 में से। अब ये क्वेश्चन कैसे होंगे, नाउ 625 माइनस 118, हमने क्या किया था, वंस टेंस हंड्रेड की हेडिंग बना ली, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 है, नीचे 8 है, 5 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, नो, 5 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। व्हाट वी विल डू, विल टेक अ बॉरो। अब अगर ये 5 बॉरो लेगा तो ये हो जाएगा 15, और ये इसने बॉरो दिया तो ये हो जाएगा 1। नाउ 15 माइनस 8 या 8 के बाद ऐसा काउंट करो कि 15 आ जाए, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना आएगा, विल गेट 7। यहाँ पे हमारे पास कितना आया, वी हैव गॉट 7 हियर, एट दिस प्लेस वी आर हैविंग 1। नाउ 1 माइनस 1 वी विल गेट, अब क्योंकि ये 2 था बट इसने इसे क्या दे दिया, बोरो दे दिया, उसकी हेल्प करते उसको दे दिया। Now, 1 minus 1 you will get 0. Now, the next is 6 minus 1. Agla is what? 6 minus 1. Ab, kyunki is 6 ne kisi ke saath kuch len den nahi kiya. This 6 is very sorted. 6 bahut sorted tha. Usne kisi ke saath kya kiya? Usne kisi ke saath kisi bhi prakar ki len den nahi ki. To, jab 6 ne kisi bhi number ke saath koi bhi len den nahi ki, to, ab ye 6 minus 1 hume kitna milega? We will get 5. So 507. 507 is what? Our answer for this question. ठीक है, similarly do that one. सबसे पहले तो 1 से 100 की heading draw करेंगे. ठीक है, सबसे पहले what we will do? 1, 10, 100 की heading draw किया. Then 897 minus किया 238. 897 minus 238. देखो प्रॉब्लम फिर भी हमारी सेम है, अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे 8 है ऊपर 7 है। अब व्हाट दिस 7 विल डू, अब ये 7 क्या करेगा, ये 7 क्या करेगा, एक बोरो लेगा। तो जब ये 7 एक बोरो लेगा, दिस विल बिकम 17, 9 विल बिकम 8, एंड 8 अपनी जगह पे 8 रह जाएगा। Count after 8 to get 17, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kitna aaya? 9. We have got 9 here. Okay? Now, 8. Here we are having 8. 8 minus 3 we will get 5. 8 minus 3, hamara answer kitna aaya? 5. Now, yaha pe 8 minus 2. 8 minus 2 karne pe we have got 6. अब देखो क्योंकि ये 8 जो नंबर था इसने किसी के साथ भी कोई लेन देन नहीं किया था, तो ये नंबर एज इट इज रह गया। अगर इस नंबर ने भी किसी को बोरो किया वगैरह कुछ दिया होता तो ये भी कम होता और फिर हम उस तरह से क्वेश्चन करते, बट ये जो नंबर था इसने किसी के साथ कुछ नहीं किया तो ये हमारा आंसर आ गया 659। और फर्स्ट आंसर यहाँ पे हमारा आंसर क्या था, 507। ठीक है क्लास, सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन, दिस इज द वे, दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन हम कुछ इस तरह से ही सॉल्व करते हैं। नाउ 625 और ये 899, ये दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। तो आज की क्लास में हमने शुरू किया सब्ट्रैक्शन, अभी आने वाले कुछ और क्लासेस तक हम क्या करते रहेंगे, वी विल कीप डूइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हम क्या करते रहेंगे अभी आने वाले कुछ क्लासेस तक, एंड देन आफ्टर दैट वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट चैप्टर। सो टिल देन गुड बाय एंड टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ यू।